प्रश्नावली 17.2। प्रश्नावली 17.1 में हमने समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था। समांतर माध्य उन संख्याओं का जो क्या हो है वर्गीकृत संख्या हो उनका समांतर माध्य या औसत ज्ञात करना सीखा था। कैसे ज्ञात करते थे? राशियों का योग उठा राशियों की संख्या से। अब प्रश्नावली 17.2 है, इसमें सारणी में मान आ गया जब एक्स और एफ दे रखा हो। क्या दे रखा? जब एक्स और एफ का मान दे रखा हो और फिर अपने को ये पूछे कि अपने को माध्य ज्ञात करना है, तो कैसे माध्य ज्ञात करेंगे? या तो माध्य का नाम आए समांतर माध्य पूछे, या ये पूछे कि प्रत्यक्ष विदिशीय माध्य ज्ञात करो। या तो माध्य पूछे या क्या पूछे, प्रत्यक्ष विदिशीय माध्य पूछे। मैंने आपको यह बताया कि इसमें माध्य निकालने की तीन विधियाँ हैं। माध्य निकालने की तीन विधि है, एक तो है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से माध्य, एक तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य, एक है कल्पित विधि से माध्य, दूसरा है कल्पित विधि से माध्य, और तीसरा है पद विचलन विधि से माध्य। पद विचलन विधि से माध्य। अब माध्य की तीन विधियां है, तो पहली विधि करें प्रत्यक्ष विधि से माध्य। और प्रत्यक्ष विधि से माध्य कब? जब एक्स और एफ दे रखा हो। तो अपने को पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखना पड़ेगा। और माध्य को लिखते हैं हम अक्ष बार के द्वारा। किसके द्वारा लिखते हैं? एक्स बार के द्वारा। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ये हो गया प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। आप देखो, ये तो एक्स आई और ये एफ आई। अपने को ये दो मान चाहिए। कितने मान चाहिए? एक तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान चाहिए और एक सिग्मा एफ आई का मान चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो एक्स बार बराबर, आप देखो एप तो होती है बारंबारता। ऐप तो क्या होती है? बारंबारता, यानी ये वाली। और इस बारंबारता के सिग्मा लगा हुआ आ गया, सिग्मा का अर्थ होगा इसमें योग। इसमें सिग्मा का अर्थ क्या होगा? योग। यानी अपने को जो ऐप है यानी जो बारंबारता दे रखी है उसका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो बारंबारता ये दे रखी है, इसका क्या निकालना है? योग निकालना है। तो क्या लिखोगे? सिग्मा एफ आई बराबर, सिग्मा एफ आई बराबर, इनका योग निकालना है। योग करो, 4, 2, 6, 6, 5, 11 और 11 और 3, 14। एफ का योगफल तो कितना आ गया? 14 आ गया। यानी ये मान तो अपने पास प्राप्त हो गया। अब ऊपर ये मान हो चाहिए, दो ही मान चाहिए, एक ये और एक ये। तो नीचे वाला मान तो आ गया, सिग्मा एफ आई का मान अपने पास आ गया। अपने को मान चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का। तो देखो इसका मतलब समझो पहले। इसका मतलब ये है कि एफ आई एक्स आई का मतलब समझ लो पहले। एफ यानी बारंबारता, ये एक्स मान। एफ वाले मान को और एक्स वाले मान को क्या करना है? अपने को गुणा करना है। एफ वाले मान को और एक्स वाले मान को क्या करना है? अपने को गुणा। तो हम लिखेंगे कि एफ आई और एक्स आई वाले मान को क्या करना है? गुणा। गुणा करने में जो मान है वो लिखना है यहाँ पर। तो देखो एफ का मान 2, एक्स का 3, गुणा करो कितने आएंगे? 6। आगे तो इसमें एफ एक्स आई गुणा करके लिखना है, तो सभी को गुणा करके लिखो। इसमें आगे देखो एक्स का मान 5, इसका 4, कितना होगा? 20, सही है। आगे 8 को 5 से गुणा करो, 40। 11 को 3 से गुणा करो, 33। किसका मान आ गया? एफ आई एक्स आई का मान आ गया। मान निकालना किसका? अपने को अपने मान निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालना है। किसका निकालना है? सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो ये एफ आई एक्स आई है, इसका तो मान आ गया।
अब यदि इसका क्या करे, सिग्मा यानी योग करे, तो किसका मान आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आएगा। तो जो एफ आई एक्स आई का मान देकर इसका योग करना, तो किसका मान आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आएगा। तो जोड़ो 40, 50, 60, 90, 93, 99, कितना आ गया, 99। अब ये मान भी आ गया कितना, 99। अब जब दोनों मान आ गए तो क्या करना है, अब इसमें 99 कितने का भाग देना है, 14 का भाग देना, 7.07 लगभग। कितना आएगा मादे, 7.07 ये आ गया अपने पास मादे। क्या करना है, जब अपने पास x का मान और f का मान दे रखा हो, तो पहले तो करना है f का योगफल, और फिर f वाले मान को और x वाले मान को गुणा करने जो मान है उसको क्या करना है, जोड़ना। किसका मान आएगा, सिग्मा f आई एक्स आई का, मान फॉर्मूले में रखना है, आ जाएगा क्या अपने आंसर। आप देखो प्रत्येक विधि से माध्य ज्ञात करना हमने सीख लिया। कैसे ज्ञात करते थे, पहले प्रत्येक विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखना था, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, फिर एफ का योगफल करते, एफ और एक्स को गुणा करते, जो मान आता उसका क्या ज्ञात करते, योगफल। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो वो का वही है, इसमें भी क्या निकालना अपने को, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना है, और प्रत्यक्ष विधि से माध्य किसके द्वारा लिखेंगे, हमें एक्स बार के द्वारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर दिया कि अपने को एक तो माध्य का मान दे रखा है, माध्य एक्स बार का मान दे रखा है कितना, 7.5, और इसमें पी आ गया अज्ञात मान, पी क्या आ गया, अज्ञात मान, और अपने को इस पी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जो अज्ञात मान जो पी है, इसका क्या करना है, अपने को मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो अपने को प्रत्येक विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वही लगाएंगे। पहले तो लिखेंगे ऐप का योगफल लगाएंगे, क्या निकालेंगे, ऐप का योगफल, क्यों रखना अपने को सिग्मा ऐप का मान, तो ये क्या लिखेंगे, सिग्मा ऐप यानी ऐप का योगफल। कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ लो, तो ये तो क्या है, चर पद, ये तो आएगा साइड में, ये तो आएगा साइड में, और बाकी के मानों को जोड़ लो। तो देखो जोड़ो, कितने आएंगे, 41। तो कितने हो गए, 41 प्लस पी, तो ऐप का योगफल तो हमने निकाल लिया, कितना आया, 41 प्लस पी। तो यहाँ लिख देंगे 41 प्लस पी, किसका मान आ गया, सिग्मा ऐप का मान आ गया। आगे ये दे रखा अपने को ऐप और एक्स को गुणा करना है, ऐप वाले मान को और एक्स वाले मान को क्या करना है, अपने को गुणा करना है, तो क्या लिखेंगे, एफ आई एक्स आई, क्या लिखेंगे, एफ आई एक्स आई, एफ वाले मान को एक्स वाले मान से क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करो, 3 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 18। आगे 5 को गुणा करेंगे कितने से, 8 से, कितना आएगा, 40, सही है। आगे 7 को गुणा करेंगे कितने से, 15 से, कितना आएगा, 105, कितना आएगा, 105।
फिर 9 को गुणा करेंगे किससे, 20 से, कितना आएगा 9p। 11 को गुणा करेंगे कितने से, 8 से, कितना आएगा 88। आगे 13 को गुणा करेंगे किससे, 4 से, कितना आएगा 52। आप देखो गुणा करके तो रख दिया कि f वाले मान को किससे गुणा करना है, x वाले मान से गुणा करना है। अब आगे क्या करना है अपने को, f x का तो मान आ गया, अब निकालना अपने को किसका, सिग्मा f i x i का। क्यों कि f x का तो मान दे रखा अपने को, सिग्मा निकालना है, यानी जो f x का मान है इसका क्या करना है अपने को, योग करना है। तो करो योग, तो योग करेंगे तो ये तो अचर पद है, ये तो आ जाएगा साइड में, 9p तो आ जाएगा साइड में। अब जो बच गई उन संख्याओं को जोड़ दो, तो देखो जोड़ो, कितना आ गया 303, तो ये मान आ गया 303 प्लस 9p। तो रखो, तो कितना मान आएगा, सिग्मा एफ एक्स आएगा 303 प्लस 9p। अब मान तो आ गई, क्या करना है अपने को, इस p का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो इनको कर लो वज्र गुणा, इनको क्या कर लो वज्र गुणा, वज्र गुणा करेंगे तो ये 7.5 तो गुणा होगा किससे, 41 प्लस 20 से। हाँ आप देखो 7.5 को किससे गुणा करना है, 41 प्लस 20 से, तो लिख दिया गुणा में। आगे आगे जो 303 प्लस 9p है इसको गुणा करना है किससे, 1 से गुणा करना है, लिख दिया गुणा में। अब गुणा करो, तो ये तो एक से गुणा था, ये का ये मान आएगा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 303 प्लस 9p आएगा। अब 7.5 को 41 प्लस 20 से क्या करना है अपने को, गुणा करना है। तो देखो 7.5 को 41 से गुणा करो, 7.5 इंटू 41 कितना आएगा, 307.5 आएगा। और फिर 7.5 को गुणा करना है अगले वाले पद से, तो कितना आएगा 7.5, तो 307.5 प्लस 7.5 को पी से गुणा करेंगे, 7.5p बराबर 303 प्लस 9p। आगे तीन सौ तीन, आगे तो 307.5, 303 प्लस का ही सड़ जाएगा तो माइनस का, बराबर इस तरफ कितना है 9p माइनस, ये 7.5 प्लस का ही सड़ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आगे तो घटाओ इनका, कितना बचेगा 4.5 बराबर 9 में से 7.5 घटो 1.5p। अब क्या करोगे, मान निकालना किसका, पी का, पी के साथ 1.5 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, किसका मान आएगा पी का, पॉइंट से पॉइंट गया, 45 से 15 का भाग देंगे कितनी बार, 3 बार, तो पी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब ऐसा एक अगला क्वेश्चन भी है, उसमें क्या दे रखा अपने, इसमें तो एक अज्ञात मान है, उसमें दो अज्ञात मान दे रखे हैं। हाँ अब है अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में केवल इतना ही फर्क है
कुछ में एक अज्ञात मान पूछा था और इसमें दो अज्ञात मान पूछे। उसमें तो अज्ञात मान पूछा था एक और इसमें अज्ञात मान पूछे हैं दो। तो इस एक को तो मान लो x और एक मान लो y। अपने को x और y का मान ज्ञात करना है और मान दे रखा माध्य का एक पूर्ण चार्ज है। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे। तो पहले तो इसमें ये देखो कि अपने को f का योगफल दे रखा है कितना 200। f का योगफल यानी सिग्मा f का मान दे रखा है कितना 200। अब ये जो 200 दे रखा है उसमें x और y के मान भी सम्मिलित है। जो मान 200 दे रखा है इसमें x और y के मान भी क्या है सम्मिलित है। तो वैसे योग कितना होगा, तो वैसे योग देखो इसका इन संख्याओं को जोड़ो। तो देखो छीण में होगा कितना होगा, छीण में तो इनका योगफल कितना होगा 6, 5, 5, 10, 10, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना होगा 86 + x + y, क्योंकि ये दो तो क्या है चरमान है। तो चरमान तो कितना आ गया x + y और संख्या को जोड़ा कितना आ गया 86। और x और y के मान सम्मिलित करते हुए अपने को सिग्मा f का मान कितना दे रखा है 200 दे रखा है। तो क्या करेंगे, हमें अपने को ये पता है कि सिग्मा f का मान अपने तो कितना आ रहा है 86 + x + y, लेकिन वैसे कितना अपने दे रखा है 200, जिसमें x और y का मान सम्मिलित किया गया है। अपने को इस x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये 86 + का ही साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 200 - 86 का ही साइड आएगा तो माइनस का। आगे x + y बराबर 200 में से कितना घटाना है 86 अपने को घटाना है। तो देखो 10 में से 6 गया तो 4, 11। तो जो x और y है इन दोनों का मान सम्मिलित करके कितना आएगा अपने x + y, x + y का मान कितना आएगा 114 आएगा। अब देखो अब अपने को अलग अलग मान ज्ञात करना है x और y का। ये तो पता है सम्मिलित रूप से कितना आएगा 114। तो दोनों में से एक का मान प्राप्त हो जाए तो दूसरे का आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे, प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई। आप देखो x बार यानी माध्य दे रखा है 1.4, सिग्मा एफ का मान अपने प्रश्न में दे रखा कितना 200। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान चाहिए, तो पहले तो ज्ञात करेंगे किसका, एफ आई एक्स आई का। तो पहले तो किसका मान ज्ञात करेंगे, एफ आई एक्स आई का। तो जो एफ और एक्स का मान है इनको गुणा करो, तो करो गुणा कितना आएगा 0 एक्स 2y 75 40 और 25। एफ और एक्स को गुणा तो कर लिया, अब क्या करना है इनका योग। तो योग को किसके द्वारा लिखेंगे, हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई के द्वारा लिखेंगे। कितना आएगा, तो देखो ये दो तो चार पद है एक्स और प्लस 2y। अब संख्या संख्या का जोड़ लो, तो जोड़ो कितना आएगा 140 प्लस एक्स प्लस 2y आएगा। अब अपने मान रखना है, तो मान रखो
तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 140 प्लस एक्स प्लस 2y। अब देखो मान तो आ गए सारे, अब मान ज्ञात करना है किसका, एक्स और वाई का। तो क्या करना है अपने को, वज्र गुणा करो पहले, क्या करो वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करेंगे तो ये तो गुणा होगा एक से, तो एक से गुणा करने पर तो वही संख्या आएगी 140 प्लस एक्स प्लस 2y। और 1.46 को गुणा करना है कितने से, 200 से। तो गुणा करो, कितना आया 292। अब देखो एक्स प्लस 2y बराबर 292, ये 140 किसका आ रहा है प्लस का, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। आगे एक्स प्लस 2y बराबर 292 से कितना घटाना है अपने को, 140 घटाना है, तो घटाओ 152। अब देखो अपने पास समीकरण आ गए दो, और दोनों में न तो एक्स का मान है न वाई का, दोनों में सम्मिलित रूप से है। तो क्या करेंगे, तो मान तो प्राप्त नहीं हुआ एक, लेकिन अपने दो समीकरण प्राप्त हो गए, इन दोनों समीकरणों से अपने पास एक मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, एक मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो समीकरण एक व दो से, तो देखो समीकरण एक तो x प्लस वाई बराबर 114, और समीकरण दो है x प्लस 2y बराबर 152। हल करो, तो बाकी करने के लिए क्या करो, निशान चेंज करो, कर दिया, ये प्लस का और ये माइनस का है, ये तो कट गई। आगे ये तो है माइनस का 2y, ये है प्लस का y, तो 2y में से 1y गया तो y किसका, माइनस का। आगे बराबर, अब ये भी प्लस का और ये भी माइनस का है, समान चिन्ह क्या होगी बाकी, तो 2 में से 4 जाता नहीं, तो 12 में से 4 गया तो 8 कितना आ गया, 38 आ गया, बड़ी संख्या किसकी, माइनस की। अब देखो इस माइनस से तो ये माइनस कट गया, वाई का मान कितना आ गया अपने पास, 38 आ गया। वाई का मान तो आ गया किसका मान, और ज्ञात करना अब एक्स का, तो जब वाई का मान आ गया तो एक्स का मान अब आराम से आ सकता है। क्या करोगे, वाई का मान किस में रखोगे, समीकरण एक में रखने पर, तो रखो तो समीकरण एक में एक्स प्लस वाई, और वाई का मान कितना रखना है, 38 बराबर 114। आगे एक्स बराबर 114 प्लस का 38 सही साइड आएगा तो माइनस का 38। आगे तो एक्स बराबर 114 में से क्या घटा दो, 38 घटा दो, तो 14 में से 8 गया तो 6, 10 में से 3 गया तो 7, कितना आ गया 76। तो एक्स का मान तो आ गया 76, वाई का मान आ गया 38, दोनों मिला के कितने थे 114, तो देखो 8 और 6 4, 7 3 10 1 11 114 हो रहे। तो अपने एक्स और वाई का मान कितना आ गया, एक्स का मान तो 76, वाई का मान 38 आ गया। ये हो गया अपने प्रत्यक्ष विदेशी माध्य ज्ञात करने का तरीका। अब क्या करेंगे, आगे भी प्रत्यक्ष विदेशी माध्य ज्ञात करेंगे, लेकिन उसमें क्या दे रखा होगा, वर्गीकृत मान का करने, वर्गीकृत श्रेणी सारणी दे रखी है, उसमें अपने को मान ज्ञात करना है। कैसे, अपने को बारंबारता तो दे रखी होगी, लेकिन यहाँ क्या दे रखा होगा अपने को, वर्ग अंतराल, और फिर अपने को